हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड से क्विट कर चुका हूं। मैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन अब नहीं देता हूं क्योंकि मैं उससे अब जुड़ा हुआ नहीं हूं। पहले जुड़ा हुआ था तो इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड इंक्वायरी देता था, लेकिन फिर भी मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट आता है इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड। और इस दफ़ा तो नोटिफिकेशन आया हुआ है क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो डीबी ब्रांच है उसका फॉर्म निकला हुआ है और लड़के को फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं बताऊंगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है और इंडियन कोस्ट गार्ड का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें से क्या क्या आपको लेके जाना है और कौन सा चीज़ आप छोड़िएगा तो मिस्टेक हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड हम लोग जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें क्योंकि मैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, कुछ नया जानते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो डीवी ब्रांच है जिसको डोमेस्टिक ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक ब्रांच में दो कैटेगरी आती है, एक कुक की आती है और एक जनरल स्टूवर्ट की आती है, जो खाना पकाते हैं जनरली शिप पर उनके लिए आई हुई है इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो उसका नोटिफिकेशन परसों ही आ चुका था, लेकिन मैं तो सोचा कि मैं तो इंडियन कोस्ट गार्ड से तो क्विट कर चुका हूँ तो इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर तो अवेलेबल है, उसी वीडियो को देख कर लड़के इन कॉमेंट करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बहुत तरीके से बनाया जाए। तो एक्चुअली जो इंडियन कोस्ट गार्ड का नोटिफिकेशन आया हुआ है वो 56 सीट है, ठीक है। 56 सीट में कैटेगरी वाइज बटी हुई है, EWS, OBC, जनरल, ST और SC के लिए, ठीक है। तो इसका जो नोटिफिकेशन आ चुका है कि फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म कब से फिलअप होगा तो वो 31/11 से फिलअप होगा, ठीक है। यानी 31 नवंबर से इसका लिंक एक्टिवेट होगा, तो आप लोग अपना प्रिपरेशन करके रेडी रखें। फॉर्म फिलअप करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपका जो एज होना चाहिए वो 18 से 22 के बीच में होना चाहिए। आपका एज लिमिट 18 साल से 22 साल के बीच में चाहिए। अगर आप ST SC से रिलेटेड हैं तो आपको 5 साल और एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 22 में 5 ऐड कर लीजिएगा तो 27 साल मिलेगा। अगर आप OBC से हैं तो OBC के लिए 3 साल का एज में छूट मिलता है, तो आपकी एज होगी 25 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 18 से 25 साल तक। अब इसकी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो ये वही लड़के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो मैट्रिकुलेशन पास कर चुके हैं, और उनकी जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होती है जो 3 साल के बाद बोर्ड ऑफ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड या स्टेट बोर्ड से जो उनके कॉलेज में आती है वो उनके पास है, तभी ये फॉर्म भर सकते हैं। अब बहुत सारे लड़कों का ये क्वेश्चन था कि सर, जो हमारी मार्कशीट होती है और जो हमारी सर्टिफिकेट होती है वो दोनों एक ही में होती है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप भर सकते हैं। लेकिन जो लड़के बिहार बोर्ड से हैं उनकी जो मार्कशीट होती है और जो सर्टिफिकेट होती है वो अलग अलग आती है, तो उन दोनों को कैरी करना पड़ेगा। तो मैंने ये बात बता दी, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया और एज लिमिट हो गया। अब हम लोग सोचते हैं कि ये फॉर्म फिलअप कैसे किया जाएगा। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए sarkaririzalt.com पर जाना होगा, वहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड में लिंक एक्टिवेट आपको 31 नवंबर से होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद जो सिग्नेचर और फोटो अपलोड में दिक्कत होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि फोटो और सिग्नेचर को कैसे रीसाइज किया जाता है। तो एक रीसाइज फोटोशॉप आता है, गूगल प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पर आपको जो फोटो का साइज होना चाहिए वो 20 में बना कर रखिएगा, ठीक है। यानी 20 KB में रहना चाहिए और जो सिग्नेचर का साइज़ है वो 16 KB से कम होना चाहिए। यानी फ़ोटो का साइज आपका 20 KB में रखिएगा और सिग्नेचर जो आपने किया वो सिग्नेचर का जो साइज़ होगा वो 16 से कम KB में रखिएगा और बना के अपना रखिएगा। और ये फिलअप करने के बाद अपना नोटिफिकेशन वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद अब जैसे ही आपका एडमिट कार्ड शॉर्ट लिस्ट हो जाता है, और मैं ये भी बता देता हूँ कि कौन लड़के का एडमिट कार्ड आएगा, तो उन्हीं लड़कों का एडमिट कार्ड आएगा जिन लड़कों का 90 एवोव है, यानी जिन लड़कों का मैट्रिकुलेशन में परसेंटेज 90 के एवोव है वही लड़के ये फॉर्म फिलअप करें, क्योंकि अगर कम रहेगा तो नहीं आएगा। क्योंकि मैं इंडियन कोस्ट गार्ड का डीवी ब्रांच का भी फॉर्म फिलअप किया था और GD ब्रांच का भी फॉर्म फिलअप किया था। डीवी ब्रांच में मेरा 81% था, ठीक है, मेरा 81% था मैट्रिकुलेशन में, लेकिन मेरा एक दफ़ा भी एडमिट कार्ड नहीं आया। लेकिन GD ब्रांच में मेरा 71% था 10+2 में, तो उसका एडमिट कार्ड मेरा हर एक साल आ जाता है। तो जैसे ही आपका मान लीजिए कि आपका, और जो लड़के भरना चाहे तो वैसे भर सकते हैं, लेकिन मैं तो उनको यही बोलूँगा कि वो 90 के अबव होगा तभी एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। वैसे मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है, आपका काम है, आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, लेकिन उम्मीद रखिएगा कि 90 के अबव है जिनका, वो उनका आएगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आने के बाद अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ता है सेंटर पर, ठीक है। तो सेंटर में कोलकाता की बात बताता हूँ, जो वहाँ पर बिजनेस एस्थेटिक्स पार्क फ्रंट इको पार्क के सामने होता है, सराचिक बिल्डिंग गोल बिल्डिंग, ठीक है, मदरवेक्स मीडियम के बगल में है, तो राजर हाट उसका नाम है। तो वहाँ पर आपका सेंटर पड़ता है, जो लड़के झारखंड और बिहार से हैं उनका सेंटर वहाँ पर पड़ता है। तो उनके लिए मैं स्पेशली बता देता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर 4-5 दफ़ा एग्ज़ाम दिया हूँ। तो आपको घर से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जैसे ही आपका ई एडमिट कार्ड आ जाता है तो ई एडमिट कार्ड विद अंडरटेकिंग,
एडमिट कार्ड लड़के जब डाउनलोड करते हैं तो उनमें मिस्टेक क्या कर देते हैं कि सिर्फ एडमिट कार्ड ही डाउनलोड करते हैं और उसके साथ एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट उसी में अटैच रहता है, तो बोलते हैं कि नहीं ये मेरे को नहीं चाहिए, तो आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा वो भी, और उसकी 3 जीरोक्स कॉपी लेकर जाइएगा, 3 जीरोक्स कॉपी करवाइएगा और तीनों पर अपना ओरिजिनल फ़ोटो पेस्ट करके लेकर जाइएगा और साइन करके लेकर जाइएगा। तो आपको 3 एडमिट कार्ड लेके जाना है उसी का, ठीक है, और अंडरटेकिंग में आपका सिर्फ आपका सिग्नेचर रहेगा, तो वो 3 एडमिट कार्ड और 3 अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट होगा। उसके साथ साथ आपको मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है, मैट्रिक का ओरिजिनल मार्कशीट, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंक प्रमाण पत्र, दिखाई दे रहा है आपको अंक प्रमाण पत्र लिखा हुआ है, तो ये मार्कशीट आपको लेके जाना है ओरिजिनल। और उसके साथ साथ जो लड़के बिहार बोर्ड से होते हैं, तो बिहार बोर्ड से मैंने उनको बताया था कि जो लड़के बिहार बोर्ड से उनको सिचुएशन आती है कि यही होता है 3 साल के बाद ये मिलता है आपको जिसको बोलते हैं प्रमाण पत्र, लेकिन जो लड़के यूपी से होते हैं या अदर स्टेट से होते हैं उनका क्या होता है कि उनके जो अंक प्रमाण पत्र मिलता है ना, तो उसके अंक प्रमाण पत्र में यहाँ पर लिखा रहता है अंक प्रमाण पत्र सह प्रमाण पत्र, अंक सह प्रमाण पत्र, तो उनका दोनों एक ही में रहता है। लेकिन जो लड़के बिहार बोर्ड से हैं उनको ये दोनों कैरी करना है, ठीक है, ये दोनों आपको कैरी करके ही जाना है, अगर दोनों कैरी नहीं करेंगे तो आपको सेंटर से वापस आना पड़ेगा, कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद जैसे ही ये आप दोनों लेके जाते हैं, और जितना भी मैं सर्टिफिकेट अब बता रहा हूँ सबका एक एक कॉपी जीरोक्स लेके जाना है, ठीक है, लेकिन आप दो दो कॉपी लेके जाइएगा तो अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ आपका अंक प्रमाण पत्र और मार्कशीट के बाद आपको ये निवास लेके जाना होता है, जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट या आवासीय प्रमाण पत्र बोलते हैं। और ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है इसको ले जाने में स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि सिर्फ अपना अनुमंडल से, सिर्फ अपना ब्लॉक लेवल से, यानी जो वीडियो होता है उसी से सिग्नेचर करवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर ये अनुमंडल का भी साइन है और यहाँ पर वीडियो का भी साइन है, यानी एसडीएम का भी साइन होना चाहिए और वीडियो का भी साइन होना चाहिए, दोनों आपको लेके जाना है। अब बहुत सारे लड़के ये भी बोलते हैं कि सर हम लोग का ब्लॉक से डिजिटली साइन हो रहा है तो कोई दिक्कत होगा, नहीं डिजिटली साइन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप अपने ब्लॉक से बनवा कर उसको आप अनुमंडल में ले जाकर उसको वेरीफाई करवा लीजिए, हो जाएगा। तो आपको निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है ओरिजिनल, इसका एक जीरोक्स कॉपी भी लेके जाना है। उसके साथ साथ अगर आप जनरल से हैं तो आपको कुछ नहीं लेके जाना है, लेकिन अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूं, तो देखिए ये मैं अपने ब्लॉक से ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाया जिसको आप क्रीमी लेयर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रीमी लेयर। तो यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट देखिए ये ब्लॉक से बना हुआ है और उसी पर ये जो एसडीएम है वो साइन कर दिया, अपना मुहर मार दिया है, तो ये भी आपको ओरिजिनल लेके जाना है और ये 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, अगर 3 साल से ज़्यादा पुराना हुआ तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने देगा, और इसका एक जीरोक्स भी लेके जाना है। उसके साथ साथ डोमिसाइल हो गया, ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, और उसके साथ साथ ये आपको जाति प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ता है, ये भी देखिए ब्लॉक से बना हुआ है और यहाँ पर डेमो, यहाँ पर सिग्नेचर अनुमंडल का किया होगा, तो ये सर्टिफिकेट आपको कैरी करना है, ठीक है। यानी आपको जब डीबी में आप जाते हैं तो आपको डीबी में एग्ज़ाम देने के लिए आपको क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए और मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल यानी आवासीय निवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, उसके साथ आपको ओबीसी सर्टिफिकेट जिसको क्रीमी लेयर बोलते हैं, और उसके साथ साथ आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, और ई एडमिट कार्ड की 3 कॉपी चाहिए, और उसके साथ साथ एक आईडी प्रूफ भी चाहिए। आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी या अपना स्कूल का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड आपके पास मस्ट है, वो आधार कार्ड लेके जाइएगा तो चलेगा। और आधार कार्ड देखिए मेरे यहाँ पे आपको आधार कार्ड ये आपको ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है, ओरिजिनल आप आधार कार्ड लेके जाइएगा और इसका कॉपी भी एक करा के लेके जाइएगा। तो ये इतना चीज़ें अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड के सेंटर पर ले जाकर पहुँचते हैं तो आपको वहाँ से आने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और आपको कम से कम 10 अपनी फ़ोटो लेके जानी है, क्योंकि 3 फ़ोटो तो आपको वहीं पर जमा करा लेगा, जैसे ही आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिएगा, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद अगर वहाँ पर टाइम बचता है तो उसी टाइम रिज़ल्ट सुना देता है। जैसे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिएगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको रिज़ल्ट वहीं पर सुना देगा, अगर आप रिज़ल्ट में क्वालिफाई कर दिए तो अगर आपकी सुबह एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम 2 सिटिंग में होती है, 1 8 बजे से होती है, 1 10 बजे से होती है, तो सुबह वाला का जो अगर एग्ज़ाम अगर उसका रिज़ल्ट 2 बजे आ जाता है तो 2 बजे रिज़ल्ट आ जाएगा, तो फिर आपको 4 बजे वैन में पकड़ कर इंडियन कोस्ट गार्ड की और आपको लेके जाएगा पिच पर दौड़ाने के लिए, ठीक है। पिच पर आप वहाँ पर दौड़िएगा, तो दौड़ के जैसे ही आपका PFT क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आप आइएगा, तो फिर आपको 2 फोटो मांगेगा, फिर आपका वहीं पर मेडिकल ही होगा, यानी 2 दिन के अंदर सब आपका काम खत्म हो जाता है। जिस दिन आप एग्ज़ाम दीजिएगा उस दिन आपका रिज़ल्ट आना ही आना है, और PFT मेडिकल उसी दिन हो जाएगा या उसके 1 दिन बाद होता है। तो आप अपना घर से शू वगैरह लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पर रोड पर पिच पर रोड़े निकले होते हैं, आपको दौड़ने में दिक्कत हो सकती है। तो मैंने प्रॉपर वीडियो में गाइडलाइंस आपको दे दिया है, अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं सोचूंगा कि उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।